बालंगा तहसील के ग्राम पंचायत तीनगढ़ और बूढ़ा केदार क्षेत्र में बालंगा नदी ने भारी तबाही मचाई हुई है। बालंगा नदी के किनारे बसे आसपास के गांवों के खेतों में भारी कटाव हुआ है, तो वहीं बूढ़ा केदार में एक मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। तहसील प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। तहसीलदार हरीश जोशी ने बताया कि कई जगहों पर खेती कई हेक्टेयर भूमि बालंगा नदी के तेज बहाव में बह चुकी है, जिसका मुआयना राजस्व उपरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। अमर उजाला डिजिटल के लिए अमनदीप भट्ट घनसाली। तहसीलदार साहब, आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, क्या कुछ घटना है और किस तरीके से नदी का जलस्तर बढ़ा है? देखिए, हमारे पास सुबह सूचना मिली थी कि बालगंगा में कूड़ा केदार की साइड जो है कि नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ मकानों को भी नुकसान हुआ है। तो हमने तत्काल हमारी पटवारी जी और अन्य जो हमारे टीम की रेवेन्यू थी उसको मौके पर भेजा था और अभी मैं स्वयं भी मौके पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर कुछ एक मकान जो है कुछ बह गए हैं, एक मकान जो है अभी तक हम देख पा रहे हैं एक बह गया है, तो उनको हमें तुरंत जो है कि अहतुक राशि जो है 5,000 रुपये का हमें चेक उनको दे दिया है। बाकी हम जाँच कर रहे हैं कि उनका मकान जो है कि वो जमीन जो थी वो कैसी थी, सरकारी थी या नाप में थी, तो उस हिसाब से फिर उस पर आगे की कार्रवाई हम उस पर करेंगे। सर, नदी का जलस्तर बढ़ा है, क्या वजह है? अतिवृष्टि मान सकते हैं या फिर कोई बादल फटा है? लेकिन नदी का हो सकता है कहीं बादल फटने जैसी घटना हुई हो, लेकिन मैं श्योरली मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि क्या हुआ है। तो सर, किस तरीके से जो आंकलन किया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर खेती बह गई है, कई जो घराट बह गए, तो किस तरीके आंकलन किया जा रहा है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? हमने जो है इस क्षति के आंकलन के लिए हमारे पटवारी जी भी हमने फील्ड में भेजे हैं और एग्रीकल्चर की टीम भी हमारे साथ है, तो उनको भी हमने फील्ड में भेजा है कि कृषि की क्षति का जो है आंकलन करेंगे, उसके बाद आंकलन करने के उपरांत जो है कि उसमें मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। रावत जी, कितने बजे की घटना है, क्या कुछ घटना है? बालंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है, क्या कुछ घटना है और किस तरीके से आप लोगों ने जान बचाई? ये जो है 12-1 बजे जो है अचानक ही नदी का जलस्तर बढ़ा, जबकि यहाँ बारिश भी नहीं हो रही थी। ऊपरी हिस्से में जो है कहीं जो है ये बादल फटा है और उससे जो है ये भयंकर, इतना जो है हमने कभी जो है 45 साल की उम्र में कभी नदी का जलस्तर इतना नहीं देखा और इतना खतरनाक जलस्तर था कि हम संभल नहीं पाए। जैसी इसकी आवाज़ आई, पत्थरों की आवाज़ आई, और हमने जो है दौड़ के भाग के जो है बड़ी मुश्किल से जो है जान बचाई। कितने लोग घर के अंदर सो रहे थे? घर के अंदर जो है हम दो लोग थे, एक माता जी थे और एक मैं था, दोनों लोग हम सो रखे थे और अचानक ही जो है बड़ी विस्फोट की आवाज़ आई, बड़ी भयंकर आवाज़ आई और इससे जो है हमें जो है खतरा महसूस हुआ और इससे हम तुरंत जो है भाग निकले। क्या क्या नुकसान हुआ आपका घर का? नुकसान तो घर में हमारी जो है सारी जो है पेपर थे, सारे जो है कैश था, ज्वेलरी थी, राशन था, कपड़े थे, जो कि जो है हमें जो है सब जो है वो बह गए, क्योंकि हमें जो ज़िंदगी बचानी मुश्किल पड़ गई थी, इसलिए जो है कोई भी सामान हम बचा नहीं पाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।